शादी करके फंस गए यार, ये अच्छा खासा था कवारा। और जो खाए वो पछताए, जो ना खाए वो ललचाए। दूर से अच्छा लगता है ये कड़वा लड्डू प्यारा। मैं तो बताओ, चाहे साला अखबार में देखो, चाहे मोबाइल पे देखो, चाहे यूट्यूब पे देखो, चाहे कहीं भी देखो, ये साला चारों तरफ ये दो औरतें ही छाई हुई हैं। देखो, एक ये औरत है जो पाकिस्तान से चली आई है अपने चार बच्चों को लेके, उनका नया बाप ढूंढते ढूंढते। और दूसरी ये औरत है जो दूसरे के चक्कर में अपने पहले पति को छोड़े फिर रही है। पता नहीं भाई साहब क्या होगा, इस संसार का विनाश की ओर जा रहा है ये समाज। अरे क्या हुआ, इतनी तेज तेज अखबार बोल बोल के पढ़ रहे हो, मुझे सुना रहे हो या मोहल्ले वालों को? अरे आदमी मन ही मन में अखबार पढ़ता है, ये अपना अलग माइक लगा के बैठे हुए हैं। अरे महारानी विक्टोरिया जी, हम आपको कुछ नहीं कह रहे हैं, अब जाइए बस अपना काम करिए, हम आपसे कुछ नहीं कह सकते। हमारी क्या औकात है जो हम आपसे कुछ कह पाएंगे। देखो भैया, मुझे लग रहा है ये महीना पुराने पतियों के लिए बहुत खराब है, तो भैया संभल के रहना है और संभल के बोलना है। क्या पता तुम कब कमलेश मौर्य बन गए, पता नहीं चलेगा भैया। ये क्या मौसम विभाग ने क्या खबर निकाली है, 2 दिन बारिश के आसार रहेंगे। कृपया संभल कर रहें घर पर और पत्नियों को परेशान ना करें। लो बारिश की बात आई, लाइट चलेगी। साले बिजली वालों ने भी नाक में दम कर दिया है, हर दूसरे दिन दम पे दम बिजली जाती है। साले लाइट वाले भी, बारिश होती है हाथ भर और लाइट काट देंगे रात भर। अरे मेरी लाइट गई है कि सबकी गई है, एक बार बाहर जाके चेक करता हूँ लाइट क्या है कैसे है, देख के आता हूँ। अरे यार किससे पूछूं, बोला गुप्ता जी की देख लेता हूँ। गुप्ता जी, ओ गुप्ता जी, अरे अंदर क्या बजिया तल रहे हो यार, गेट खोलो, कितनी देर से बजा रहे हैं हम यार। गुप्ता जी, अरे लल्लन भाई यार क्या हुआ, अगर जोर की आई है तो यार अपने घर में जाओ, हमारा गेट क्यों बजा रहे हो भाई साहब, ये सब अपने घर में करो यार। अरे यार कैसी बातें कर रहे हो, हम टट्टी तुम्हारे घर में करने आएंगे, हमारे घर में है नहीं है लैट्रिन। यार हम ये पूछने आए हैं यार, तुम्हारी लाइट आ रही है क्या, हमारी ही गई है। अरे यार लल्लन भाई साहब, यार तुम्हारी और हमारी एक ही तो तार है, और भाई साहब हम कौन से मोदी जी के दामाद हैं जो हमारी लाइट आएगी और तुम्हारी नहीं आएगी। अरे तुम बन कैसे जाओगे मोदी जी के दामाद, मोदी जी ने कौन सी शादी कर रखी है भाई साहब, तुम थोड़ा अपनी हद में रह के बात करो करो, ऐसे ही कुछ भी मत बोल दिया करो, भगवान ने मुंह दिया है तो कुछ भी बोल दो यार। अरे भैया हम हद में ही है, नहीं आ रही हमारी लाइट, हमारी और आपकी तो एक ही तार है। अरे मगर आ क्यों नहीं रही है यार लाइट, बात क्या हो गई भाई साहब। लाइट इसीलिए नहीं आ रही क्योंकि आप काटते हो बिजली वालों की बिजली चोरी करके, फिर बिजली वाले काटते हैं आपकी लाइट काट के, फिर दोनों की ऐसे ही कट रही है। नहीं भाई साहब आपका क्या मतलब है भाई साहब, हम बिजली का बिल नहीं भरते, मतलब हम चोरी से चला रहे हैं लाइट है? देखो भाई साहब ऐसा हमने तो कुछ कहा नहीं, हम तो बस एक बात की बात कह रहे हैं बस। अरे यार पता नहीं ये सरकार क्या करके मानेगी, अरे कम से कम यार लाइट तो ढंग से दे दे, आदमी कम से कम गर्मी में चैन से रह तो सके। देखो लल्लन भाई सरकार को कोसना बंद करो, वो देखो वर्मा जी की लाइट जल रही है, एक बार खम्बे पे जाके चेक कर लो लाइट में क्या हुआ है, दिक्कत पता चल जाएगी तुम्हें। और हाँ भाई साहब, एक बार खम्बे पे जाने से पहले तुमने बल्ब बदल के देख लिया था अपना? अरे गुप्ता जी मेरे बाप ने आज तक कच्चा नहीं बदला, तुम बल्ब बदलने की बात कर रहे हो। अरे तो क्या मैं बदल दूं? मैं इसमें कुछ नहीं कह सकता गुप्ता जी, वो मेरे बाप को पूछ लो तुम। बाप को पूछ लो क्या मतलब? अरे कच्चा बदलने की। अरे यार कैसी बातें करते हो, मैं तुम्हारा कच्चा बदलूंगा, मैं बल्ब बदलने की बात कर रहा हूँ, तुम कच्चे की बात कर रहे हो। अरे नहीं नहीं गुप्ता जी, बल्ब बदलने की कोई जरूरत ना, वो मैंने कल ही नया लगवाया है, एक बार अपन खम्भे पे चल के चेक कर लेते हैं, चलो तुम बस। चलो हाँ भाई साहब, कौन सी कलर की तार है तुम्हारी इनमें से? गुप्ता जी हमें लगता है वो यार पिंक वाली तार है हमारी, वही है शायद। अरे यार लल्लन क्या तुम लड़की हो यार, जो पिंक कलर की तार लेके आए हो, कोई और कलर नहीं मिला था तुम्हें? अरे वो गुप्ता जी यार पिंक कलर की इसीलिए लेके आया था क्योंकि यहाँ पे यार कोई लाल लगा रहा था, कोई हरी तार लगा रहा था, कोई 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 काली लगा रहा था, तो यार हमने सोचा यार पिंक कलर की लगा लेते हैं, तो पिंक कलर की तार हमारी सबसे अलग दिखेगी, इसीलिए बस पिंक कलर की लेके आया हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है वैसे। ये लो लल्लन भाई साहब,
तुम्हारी वो पिंक कलर वाली दांत तो ये लोग कटी पड़ी है तुम्हारी, कैसे आएगी लाइट जब तारी तुम्हारी कटी पड़ी है। अरे यार हमारी दांत तो लगी होती थी, फिर ये कटी कैसे पड़ी है यार, ये समझ में नहीं आया यार हमें। अरे ललन भाई साहब मुझे लगता है वो थोड़ी देर पहले यहाँ मिश्रा जी अपनी लाइट सही कर रहे थे, तो मुझे लगता है यार वो तुम्हारी तार काट के डाल गए हैं, उनने ही कराया मुझे लगता है। अरे यार गुप्ता जी एक बात बताओ, हम कौन से यहाँ मिश्रा के बाप की लाइट जला रहे हैं जो वो हमारा तार काट के फेंक गया है। गुप्ता जी मैं एक बात बता रहा हूँ, मैं किसी दिन मेरा दिमाग खराब हो गया ना, मिश्रा की नेतागिरी में एक मिनट में निकाल दूंगा मैं, मोहल्ले में भाई साहब कर्री वाली लड़ाई हो जाएगी, रोज रोज का झंझट नहीं झेल पाऊंगा मैं। अरे गुप्ता जी यार गुस्सा थूको, कोई बात नहीं है वो तार कटी पड़ी है उसे उठाओ छीलो उसे। अरे गुप्ता जी यार कैसी बातें कर रहे हो, मेरे बाप ने आज तक गन्ना नहीं छीला, तुम तार छीलने की बात कर रहे हो। अरे तो पिलास ले लो यार, मैं कौन सा कह रहा हूँ कि मुंह से छीलो। अरे यार गुप्ता जी अब पिलास तो लेके नहीं आया हूँ मैं। अरे यार तो बिना पिलास के गए हैं, एस्तेजी मराने आए हो तुम। अरे यार गुप्ता जी आप तुम तो उस्ताद आदमी हो यार, वो बांस पड़ा है यार डाल दो, तुम ही डाल दो यार कटिया। अरे यार तुम छोटे से काम भी नहीं कर पाते हो, लाओ मैं लगाऊं। अरे गुप्ता जी अरे यार मजाक मत करो यार, तुम्हें गर्मी के मौसम में ठंड लग रही है बताओ। अरे गुप्ता जी अरे क्या हो गया यार, करंट मार गया क्या? अरे यार तुमने वो नहीं देखा था वो गीला बांस था, तुम यार चूतिया आदमी हो पूरे। अरे कैसी आवाज आ रही है गुप्ता जी? अरे गुप्ता जी यार यहाँ रोड पर कोई सोने की जगह है यार, घर पर जाकर लेटो अपने। ये मोहल्ला इज्जतदारों का यार, यहाँ बदतमीजी मत करो यार, सुबह सुबह दारू पी के आ जाते हैं। अरे यार मिश्रा जी तुम यार एकदम चूतिया आदमी हो क्या? कोई बेचारा आदमी किसी को करंट लग गया है यार, वो उसीलिए पड़ा हुआ है, तुम अपनी कह जा रहे हो उससे, इतनी बदतमीजी से मत बोलो किसी से। करंट करंट कैसे लग गया? अरे भैया क्या कर दिया, मर तो नहीं गई है? कैसे लग गया करंट इनको? ऐसा है कैसे ये लंबी लंबी सांस लेके बोल रहे हो, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है? मेरी वजह से कैसे हुआ है भैया? ये तुमने हमारी तार काटी है ये पिंक वाली, ये तुम ना ये तार काटते ना हमारे गुप्ता जी को करंट लगता, मैं तुम्हारे खिलाफ पुलिस में कंप्लेन करूंगा, अब तुम्हारी वजह से गुप्ता जी को करंट लगा है। मतलब यार ये अजीब गुंडा कर दिया यार, मतलब तार तुम उनसे अपना लगवा रहे हो गुप्ता जी से और नाम हमारा रख दोगे, हमारी वजह से करंट लगाइए है। ओ ललन मिश्रा जी यार लड़ाई मत करो यार, अभी हम जिंदा है, हमको हॉस्पिटल ले चलो भाई साहब, हम बच जाएंगे, हमारी बीवी का क्या होगा। अरे मिश्रा जी यार अपन बाद में लड़ाई कर लेंगे, पहले यार गुप्ता जी को हॉस्पिटल ले चलो, मर जाएंगे यार वरना ये। हाँ ये बात सही कह रहे हो, चलो चलो ले चलो इनको गुप्ता जी को ले चलो चलो। देखिए भैया बरसात का मौसम है, अगर बरसात में आपकी लाइट खराब हो जाए तो स्वयं मिस्त्री ना बने, किसी लाइट मिस्त्री को फोन कर ले, वरना आपकी भी हालत गुप्ता जी जैसी हो जाएगी। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भैया क्या कर रहे हो, ऐड आने का इंतजार कर रहे हो? चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करें, मिलते हैं अगले वीडियो में। और इस टाइप का कोई भी किस्सा आपके साथ हुआ है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।